हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे गगुटिस ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, आज एक कॉल आया कि हमारे यहाँ सर्प निकला है, तो चलिए देखते हैं कौन सा सर्प है। दोस्तों, जल्दी जल्दी में मैं यह वीडियो लेट शूट कर रहा हूँ, मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया इसलिए मैं आके शूट कर रहा हूँ। तो चलिए चलते देखते हैं कौन सा सर्प है। तो दोस्तों, मैं लोकेशन पर पहुँच चुका हूँ, देख सकते हैं सर्प यहीं पर घुसा हुआ है, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। चलिए हम इसे निकालते हैं और देखते हैं कौन सा सर्प है। तो दोस्तों, मैंने इसे निकाल लिया, देख सकते हैं ये रसल वाइपर है जो भारत का बहुत जहरीला सर्प होता है। दोस्तों, तीसरे नंबर का जहरीला सर्प होता है, पहले नंबर में आता है कॉमन क्रैब, दूसरे में कोबरा और आप देख सकते हैं रसल वाइपर। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सर्प होता है दोस्तों, देख सकते हैं ये फिर से इसमें चला गया। हम इसे निकालने का प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे, देख सकते हैं दोस्तों। इन्होंने मुझे कॉल किया था, इनको लगा कि यह अजगर है। दोस्तों, यही सबसे बड़ी भूल होती है कि हम लोग रसल वाइपर को अजगर समझ लेते हैं, तो आप ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो बिल्कुल भी दोस्तों, आप समझने में गलती बिल्कुल भी ना करें, ये अजगर नहीं रसल वाइपर है। और हम इसे धीरे धीरे निकाल रहे हैं, देख सकते हैं इसे निकाल कर हम जंगल की तरफ छोड़ देंगे। तो चलिए हम इसे निकालते हैं, देख सकते हैं दोस्तों ये बहुत ही बड़ा सर्प है और इसमें जितना बड़ा सर्प हो तो उतना ही ज़्यादा जहर होता है। तो अगर आपके आसपास कहीं भी ऐसा सर्प दिखे दोस्तों, आप उसे मारे नहीं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं उसे जंगल में छोड़ दूंगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, इसकी आवाज़ कुकर की सीटी जैसे होती है। ये बहुत ही तेज़ आवाज़ करता है दोस्तों, तो आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। ये सांप देख सकते हैं बहुत ही लंबा है और जितना ज़्यादा लंबा आप जानते हैं उतना ज़्यादा जहर, देख सकते हैं इसकी आप पहचान देख सकते हैं। ये काले काले धब्बे होते हैं और इसी में देख सकते हैं काले काले गोल कर देख सकते हैं इसका ऐसा धब्बा होता है, तो आप समझ जाएं कि रसल वाइपर है। आप पहचानने में गलती नहीं, लोग इसे अजगर समझ लेते हैं और इसे छूने का प्रयास करते हैं जिससे वह मारे जाते हैं। तो चलिए हम इसे बोरी में भी पैक कर लेंगे, पैक करने के बाद हम इसे जंगल में आसानी के साथ रिलीज कर देंगे। दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके बिना हाथ लगाए हम लाएंगे, इसे प्रयास करेंगे। घोनस इसे मराठी में बोलते हैं, हमारे यहाँ इसे चिट्टी पहाड़ी बोला जाता है। दोस्तों, देख सकते हैं ये कुकर की सीटी जैसा आवाज़ निकालते हैं, इसकी बहुत बड़ी पहचान है, लोग इसे अजगर समझ लेते हैं, लेकिन आप गलती ना करें क्योंकि ये अजगर जैसा नहीं है बिल्कुल। आप देख सकते हैं इसके धब्बेदार होते हैं और काले काले धब्बे होते हैं गोलाकार का, देख सकते हैं इसकी पहचान। और ये पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर का सबसे जहरीला सर्प है जो भारत देश में पाया जाता है। दोस्तों, हम इसे बोरी में भी पैक करेंगे, जहाँ तक हो सके अगर बिना हाथ लगाए काम हो जाता है तो हम हाथ क्यों लगाएं, क्योंकि खतरा कभी भी हो सकता है। तो हम इसे डंडे से प्रयास करेंगे, डंडे से चला जाए, ज़्यादा ज़्यादा हो सके तो हमें डंडे से ही सर्प को रेस्क्यू करना, या फिर छड़ी आती है। तो देख सकते हैं ये आसानी के साथ बोरी में चला गया है, अभी इसे हम जंगल में पैक करके जंगल में छोड़ देंगे इसे बोरी में पैक करके। दोस्तों, तो देख सकते हैं मैंने आसानी से डंडे की मदद से इसे बोरी में पैक कर लिया है। तो हमेशा जहाँ तक हो सके आप सर्प को बिना हाथ लगाए ही रेस्क्यू करें, वो ज़्यादा सावधानी पूर्वक होता है क्योंकि खतरा कभी भी हो सकता है। तो चलिए हम इसे बोरी में पैक कर लिए हैं, अब हम आपको जंगल की ओर ले चलते हैं। तो दोस्तों, हमने इसे पैक कर लिया है, आप देख सकते हैं इस तरह से इसे पैक कर लिया है। तो दोस्तों, ये रसल वाइपर है, इंग्लिश में इसे रसल वाइपर बोलते हैं और हिंदी में ये कहीं कहीं घोनस बोलते हैं महाराष्ट्र में, और हमारे यहाँ इसे चिट्टी पहाड़ी बोला जाता है जो कि बहुत ही जहरीला होता है। दोस्तों, तो हम इसे अभी जंगल की तरफ ले जाएंगे और छोड़ देंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए, हम इसे अभी पैक कर लिए हैं, अब इसे हम जंगल में छोड़ देंगे। तो दोस्तों, मैं ये रसल वाइपर को एक जंगल में ले आया हूँ, देख सकते हैं यहाँ जंगल है, हम इसे छोड़ देंगे इसे स्वतंत्र। तो देख सकते हैं पर्यावरण में इसे रिलीज कर देंगे। दोस्तों, ये भारत का बहुत ही जहरीला सर्प होता है, जैसे कि मैंने बताया सबसे पहला होता है कॉमन क्रैच, दूसरा होता है कोबरा, तीसरा होता है रसल वाइपर। दोस्तों, जब ये काटे इसके दांत बहुत बड़े बड़े होते हैं, जब ये काटता है तो जो भी जहाँ काटेगा वहाँ मांस सड़ने लगता है। दोस्तों, मैं इसे अभी रिलीज करूँ तो आप मेरे वीडियो पर बने रहिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं आपको ऐसी वीडियो दूँ तो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों,
हम इसे जंगल में ले आए हैं, आप देख सकते हैं रसल वाइपर है, अब इसे हम रिलीज करेंगे। तो आप हमारे वीडियो पर रहिए, थोड़ा जूम करिए और पास आ जाए, पास आ जाए। अभी ये निकलेगा, तो दोस्तों देख सकते हैं इसकी आवाज कितनी खतरनाक है इसकी आवाज। तो दोस्तों देख सकते हैं निकल चुका है, बस 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 बस। तो देख सकते हैं कितना स्पीड है इसकी चाल। दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक सर्प होता है ये रसल वाइपर, देख सकते हैं ये बहुत ही छोटे छोटे लेकिन ये बहुत ही लंबा है, इसमें जो बहुत ज़्यादा जहर है। तो इसे हम पर्यावरण में रिलीज कर दिए हैं, देख सकते हैं आप। दोस्तों देख सकते हैं रसल वाइपर है, दोस्तों देख सकते हैं चला गया।